पंचायत चुनाव के 10वें चरण में नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में मुखिया पंचायत का चुनाव होना है। जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवार है, इससे पहले भी ये जिला परिषद सदस्य रहे हैं, निवर्तमान जिला परिषद सदस्य है, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। जाहिर है चुनाव के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, जनता विकास चाहती है और हम भी इनसे यही उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जिस तरह विकास किया है और आगे ये किस तरह आप जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच किस तरह उभरेंगे, आज हम उन्हीं को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर सिलचिटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इनसे बातचीत में सबसे पहले जो हम ये पूछेंगे, सर आप निवर्तमान जिला परिषद सदस्य रहे हैं, तो सर आपने क्या क्या विकास किया, सर आपने विकास क्या क्या किया है इस क्षेत्र में, सर वो बताइए, सर जनता ये जानना चाहती है। 5 वर्ष मैं निश्चित तौर पर जिला परिषद के पद पर रहा, लेकिन जहाँ तक विकास और सामाजिक काम की बात है तो जिला परिषद बनने के पूर्व भी जब मैं शिक्षक पद पर था तब भी समाज की समस्या, सुख दुख, शिक्षा के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। ऐसा नहीं कि मैं जब पद पर हूँ तब से, 2008 से जब मेरी जॉब हुई थी तब से मैं लगातार जनता के बीच में बना हुआ हूँ। अब रह गई बात, जब जिला परिषद बना तो जनता ने अपार बहुमत से लगभग 10,000 से ऊपर वोट दे करके मुझे जिला परिषद चुना था आज से 5 वर्ष पूर्व। तो हमारा जो ये क्षेत्र है यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये मुख्य रूप से किसान का क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि प्रधान जो ये क्षेत्र है, तो कभी एक वर्ष तो एक बार बाढ़ आ जाना है, बाढ़ में सारे फसल को चौपट हो जाना है, और किसी बार सुखाड़ आ जाना है, सुखाड़ में ये फसल जल जाते हैं, ये हमारी समस्या है। तो किसानों को बहुत समस्या होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इसी बार आप देखें कि बाढ़ आ गए, तो बाढ़ में आप देखेंगे कि लोगों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोगों का सबसे पहले कर्तव्य होता है कि अपनी व्यवस्था से लोगों को मदद करना। इसके पहले भी बाढ़ लगातार आते रहे हैं, तो जहाँ तक भी संभव होता है, हमारी अपनी एक संस्था है, हमने बनाया है युवा चेतना क्लब, तो लोगों को राशन पानी देने की व्यवस्था, बर्तन और खाने की सामग्री, दवाई वगैरह, डीडीटी का छिड़काव इत्यादि, ये सब हमेशा हम लोग करते रहते हैं, चाहे उसके लिए हम कोई पद पर रहें या न रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। और किसानों को राहत दिलवाना, क्षतिपूर्ति दिलवाना, ये सब हमारा काम है जो कि हम लोग करते रहे हुए हैं। और काम की जहाँ तक बात है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा ये भागलपुर सृजन घोटाला का गवाह बना था। सृजन घोटाले हुए थे जिसमें कि जिला परिषद को 2 वर्षों तक कोई फंड नहीं दिया गया, शुरुआत के 2 वर्षों तक कोई फंड मिला ही नहीं, और बाद में जो कोरोना महामारी आई 20 और 21, 2 वर्ष, ये तो पूरी दुनिया इसके लिए त्रस्त है, परेशान है, और जन जीवन बर्बाद हो गए, कितने जीवन चले गए, तो 2 साल तो उसमें ख़त्म हो गया, आप लोग देख रहे हैं। इसके बावजूद जब भी मुझे ज़रूरी पड़ा है, मेरा क्षेत्र पूरा जिला परिषद क्षेत्र जो कि 6 पंचायत आते हैं और लगभग 90 वार्ड आते हैं, प्रत्येक जगहों को चिन्हित करते हुए, जैसा कि आप अभी गोलाहू क्षेत्र आए हुए हैं, ये गोलाहू गांव है, ये बिलखुरिया पंचायत का गोलाहू गांव है, ये पूरे ग्रामीण आपको बताएंगे कि जैसे ही अभी आप यहां पर आए, एक बहुत विशाल गड्ढा हुआ करता था, कम से कम 15-20 कट्ठे में एक विशाल गड्ढा हुआ करता था जो कि 20-25 फीट गड्ढा था, उस गड्ढे को हमने भरवाया और आज अमन चैन की ज़िंदगी है। नहीं तो लोग वहाँ पर हमेशा डूबने की स्थिति बनी रहती थी, संकट रहता था, लोगों को समस्या रहता था, तो उसको हमने उसको भरवाया ताकि लोगों को कभी कोई कष्ट नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के लोग जब भी मुझे याद करते हैं, चाहे वह सुख हो, दुख हो, बाढ़ हो, आग लगे, किसी की मृत्यु हो जाए, बीमार हो जाए, दुर्घटना घट जाए, हर उस घटना में हम सुख में दुख में, चाहे वह 12 बजे रात क्यों नहीं हो, हम हाजिर रहते हैं। इसलिए गांव की जनता, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो, माँ हो, बहन हो, हमेशा हमें सहयोग करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो सर अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है, जो दोबारा आप जिला परिषद सदस्य के लिए चुने जाते हैं, जनता आपको प्यार देती है, सम्मान देती है, तो आप और किन किन विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, गांव में किस तरीके का विकास आप और लाना चाहें, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, किसानी को लेकर हो, खेती को लेकर हो, पशु के भी सुरक्षा को लेकर हो, जिस तरह गाय भी आजकल देख जा रही है कि कचरा चरने के कारण उसकी मौत हो रही है, तो पशु की
सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और रोजगार को लेकर के, मूलभूत सुविधाएं हर घर तक पहुंचे, उन सब विषय पे आप आगे कहां तक अपने क्षेत्र को विकास की तरफ लेके जाएंगे? मैं इसको दो रूप में देखना चाहता हूँ, एक तो सरकार की व्यवस्था और एक मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था। सरकार सबों को पता है कि क्या कर रही है। पूरे नाथ नगर क्षेत्र की जो जनता है, वो महिला हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, पशुपालक की समस्या हो, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर दो भैंस मर गए थे। जो व्यवस्था जो मैंने किया सहयोग बस वही रह गया और आज सरकार की तरफ से कोई मदद उसको नहीं मिल पाया। सरकारी जो है आप लोगों को कोई भी सुविधा ज्यादा मुहैया नहीं कराई जा रही, जिस तरह आप लोगों को विकास के लिए जो है ना आपको दिक्कतें आ रही है, इसके कारण क्षेत्र ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया है। आप ये निश्चित तौर पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आपने बात की, तो यहाँ पर क्या है कि लगभग 80% फंड जो है मुखिया जी को आ जाता है अकेले, जबकि मेरे पास 90 वार्ड है और मेरे पास मुश्किल से 10-15% फंड आते हैं, जिसमें कि पंचायत समिति भी है। और 90 वार्ड को देखना है आश्चर्य का विषय, जो फंड आते हैं विधायक जी के पास आते हैं, विधायक जी को कभी यहाँ पर नहीं आना है, सांसद को आते हैं, सांसद जी यहाँ पर कभी नहीं आते हैं। जब भी कोई समस्या हो बस वही आलोक, छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, कोई समस्या होगा आलोक, शिक्षा के लिए बात है, पढ़ाई की बात है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, बस वही आलोक। मतलब लोगों के पास एकमात्र नाम है और हम दिन रात हमेशा लगे हुए रहते हैं। जहाँ तक बात है वास्तविक विकास की बात, अगर सभी प्रतिनिधियों को एक समान अगर फंड नहीं मिलेंगे तो समाज का विकास कैसे होगा? ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके पास फंड होते हैं वो क्षेत्र को देखने नहीं आते हैं, समाज के विकास को उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, सुख दुख में उसका कोई साथ नहीं है। आप यहाँ पर अगर देखें, जब भी आज कोई भी समस्या होता है, सरस्वती पूजा होता है या यहाँ पर कोई यज्ञ की स्थिति होती है, तो हर हमेशा हम रहते हैं, लोग और भी आते हैं लेकिन सुख दुख में साथ नहीं दे पाते हैं। मैं यही प्रयास करता हूँ, मैंने वचन दिया है कि सरकार की ओर से कोई फंड आए या ना आए उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने वचन दिया है कि जब जब ग्रामीणों को कोई समस्या होगी, आपका आलोक, आपका भाई, आपका बेटा आपके हर सुख दुख में हमेशा तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। जिस तरह से लूट खसोट जारी है, डेवलपमेंट के नाम पर दलाल और कई प्रतिनिधि भी अपना पेट भर रहे हैं, जनता से देने के बजाय उससे कुछ राशि वसूल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे सर? इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में इसका क्या हाल है? भ्रष्टाचार को लेकर के किस तरह से बढ़ रहा है या फिर कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में सर बताइए। जबरदस्त भ्रष्टाचार है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे लगा था कि कोई एक दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी भी अगर सहयोग कर दे तो इस भ्रष्टाचार पर मैं रोक लगा दूंगा, लेकिन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अगर इनको विधवा पेंशन के लिए ब्लॉक जाना है, वृद्धा पेंशन के लिए ब्लॉक जाना है, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार। छात्रों को अगर आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र है, उस वहाँ पर भ्रष्टाचार। थाना में कलेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, वहाँ पर समस्या। इंदिरा आवास लेना है, वहाँ पर घूस देना है। मैंने सबों को हमेशा कहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप मुझे बोलिए, लेकिन लोग किसी न किसी प्रकार फंस जाते हैं, क्योंकि पदाधिकारी का सहयोग नहीं मिलता है। और गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम गांव वालों को सुविधा दें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पदाधिकारी और जो ये सरकार है हमारी, नीतीश कुमार की सरकार जो पटना में बैठी हुई है, आज भी वो जनता के लिए बेहतर प्रयास नहीं कर पा रही है, पदाधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रही है। आप ब्लॉक चले जाएँ, आप जिला चले जाएँ, जहाँ पर भी आप जाएँ, प्रत्येक चीज के पैसे लगते हैं। ये भ्रष्टाचार की समस्या चरम पर है। इसके लिए मैंने प्रयास किया था कि प्रत्येक गांव में पदाधिकारियों को बुला करके पंचायत की सरकार लगाई जाए और लोगों के सारे काम वहीं पर संपन्न हो, लेकिन आज तक ये सफल नहीं हो पाया। कोई प्रतिनिधि और पदाधिकारी सहयोग नहीं किए। जब भी कभी कोई समस्या होती है, मैं खुद लोगों का, जैसे कि स्वास्थ्य की समस्या है, मैं कैंप लगाता हूँ, लोगों को सहयोग करवाता हूँ, दवाई दिलवाता हूँ, हॉस्पिटल में जाकर के दिखवाता हूँ। आप अगर रेफरल हॉस्पिटल की बात करें तो ये सिर्फ रेफर करने के लिए है, एक भी मेडिसिन वहाँ पर नहीं मिलते हैं, और जब तक कि मायागंज में नहीं जाता है इलाज नहीं हो पाता है। मायागंज में बहुत बेहतर इलाज नहीं होते हैं, सभी दवाइयाँ आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, जाँच आपको बाहर से कराने पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि प्रखंड कार्यालय हो या जिला स्तर का कार्यालय हो, सभी जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जब तक कि बड़े प्रतिनिधि और छोटे प्रतिनिधि सभी मिलकर के सहयोग नहीं करेंगे, तो अकेला ये जिला परिषद क्या कर सकता है? जहाँ तक संभव होता है मैं दिन रात प्रयास करता हूँ, और आप ये ग्रामीणों से भी पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा।
के जिला परिषद सदस्य हैं तो आपका विकास करना आपका धर्म है सर, लेकिन यहाँ से क्योंकि हम लोग यहाँ के लोगों से भी बात किया तो उन लोगों का कहना है कि आप एक अच्छे समाज सेवी के रूप में भी उनके बीच हैं। सर कोरोना काल में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा? कोरोना काल का परफॉर्मेंस बस मैं यही बता दूं कि उस समय जब किसी माँ का बेटा या किसी पत्नी का पति अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, किसी बहन का भाई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, प्रशासन के भी दबाव थे, कंप्लीट लॉकडाउन था, उस समय में मानवता की रक्षा करने के लिए हमने और हमारी पूरी टीम ने 3 माह तक लगातार सैनिटाइजिंग एक एक जगह पर पूरे गांव, घर, मोहल्ले सभी जगहों पर सैनिटाइजिंग DDT का छिड़काव सैनिटाइजिंग करवाया। और जहाँ जहाँ से, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहान लोगों को है, कुछ ना कुछ तो अनाज होता ही है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि गरीब थे, मजदूर थे, जिसका काम पूर्णतः बंद हो गया था, घर घर हमने लोगों को जाकर के अनाज पहुँचाया, राशन पहुँचाया। जिस प्रकार की मैंने बताया कि बाढ़ में हम यहाँ पर 16 में बाढ़ आया था, उसके बाद भी बाढ़ आया तो हम लोगों को मदद करते थे। कोरोना काल में हर घर में जहाँ पर कि चूल्हा बंद था, हमें पता चला कि 12 बजे रात को अगर पता चल गया कि आज उस गांव में, जैसे ये हरिजन टोला है बगल में पटौदी हरिजन टोला, हमें पता चल गया कि वहाँ पर चूल्हा नहीं जला है, तो 12 बजे रात को हम लोग अपनी टीम लेकर के गए और सभी के घरों में अनाज पहुँचाया। तो कोरोना काल की बात इतिहास बन चुकी है, दुनिया आज भी गवाह है कि हमारी टीम ने क्या किया, हमने क्या किया। बस अपने जान को हथेली पर रख करके मानवता की रक्षा करने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए दिन रात समाज के बीच रहे, और ईश्वर साक्षी है, ये माँ और बहनें साक्षी हैं, हम कभी नहीं डरे। और लोगों को कोरोना हुआ लेकिन जिस घर में कोरोना था वहाँ मैं सहयोग करने के लिए गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर उसे पहुँचाया, एक एक घर में जाता था ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने के लिए, लेकिन मुझे ना कोरोना हुआ न मेरे किसी टीम को कोरोना हुआ, यही ईश्वर का आशीर्वाद था। हम हमेशा साथ रहे। आपने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा लेकिन उसमें जनता का आपको सहयोग नहीं मिला, तो सर अब आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं कि आपको फिर से जनता मौका देती है जिला परिषद सदस्य के पद के लिए जिताने के लिए, आपको फिर से जनता मौका देगी या नहीं? जनता आपका कितना सहयोग करेगी? सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंचायत चुनाव होते हैं ये जाति में बटे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा प्रतिनिधि हूँ जो मेरे साथ किसी जाति की कोई बात नहीं होती है, सभी खुल करके मुझे आशीर्वाद देते हैं। आप देखिए, जैसे ये बुलाहू गांव है, ये मुख्यतः ये यादव की बस्ती है, ये ग्वालों की बस्ती है, गौपालकों की बस्ती है, ये कृष्ण भगवान को मानने वालों की बस्ती है, लेकिन इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो मनियारपुर है, मनियारपुर पूरा कुशवाहा का टोली है। आप मनियारपुर जाकर के लोगों को पूछ लें, सभी कुशवाहा समाज एक एक व्यक्ति मेरे साथ हैं। उसके आगे आप जब जाएंगे तो वो पासवान की बस्ती है, सभी पासवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उसके बाद अगर आप जाएंगे राजपुर है जो मुसलमानों की बस्ती है, सभी मुसलमान भाई मेरे साथ हैं। तो सबसे बड़ा विजय तो मेरा यही है कि सभी जात और सभी धर्म के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि सुख दुख में अगर कोई आदमी है तो वो आलोक आएगा और सहयोग करेगा, सबों को पता है, इसलिए मुझे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और मैं विजय का पताका लहरा करके फिर अपने माँ बहनों के चरणों में आऊँगा, अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में आऊँगा सेवा करने के लिए। दूसरा आपका प्रश्न था कि विधानसभा का चुनाव जो मैंने लड़ा मुझे आशीर्वाद नहीं, विधानसभा का चुनाव मैं निर्दलीय लड़ा और 14,000 जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, 14,000, उसे मैं भूल नहीं सकता। हाँ, मैं विजय नहीं हो सका, मैं जीत नहीं सका, क्योंकि हमारे जो गाँव घर के लोग हैं वो अभी पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वो पार्टी पर वोट करते हैं, वो जाति पर वोट करते हैं। इसलिए हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप पहले व्यक्ति को देखिए, जो व्यक्ति आपके सुख दुख में साथ देने वाला हो आप उसे वोट करिए, क्योंकि कोई पार्टी कष्ट के समय में, आग के समय में, बाढ़ के समय में कोई पार्टी मदद करने नहीं आता, वह व्यक्ति मदद करने के लिए आता है। तो मैं यही लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा हमेशा आपके सुख दुख में साथ है, जिला परिषद में तो ये जिताएंगे ही जिताएंगे, जब आने वाला समय आएगा तो निश्चित तौर पर ये मुझे आशीर्वाद दे करके ऊपर के सदन में भी पहुँचाएंगे, ताकि वहाँ पर जाकर के इनकी आवाज़ को उठाऊँ, इनकी लड़ाई लड़ूँ और विकास के नए आयाम तक नाथनगर विधानसभा को और इस भागलपुर जिला को मैं पहुँचाऊँ। चुनाव में जनता से आपका वादा क्या, क्योंकि हर प्रत्याशियों का वादा रहता है कि हमारे जीतने पर हम ये करेंगे वे करेंगे, अपने अपने मतलब कि सक्षम अनुसार वो जिस सक्षम होते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, तो उस हिसाब से वो जनता से वादा करते हैं कि अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे, अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपके लिए विकास के लिए ये करेंगे। तो आप भी अपने कुछ वादों को जनता के समक्ष रखिए, क्योंकि जनता भी हमारे बीच मौजूद है, तो ये
इंटरव्यू हो, बातचीत हो और जनता के वादे का चर्चा नहीं किया जाए तो ये एक अलग सी बात हो जाएगी। तो सर आप अपने वादों को जनता के समक्ष रखिए कि क्या वादा रहेगा आपका इस चुनाव के लिए। मैं सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक कहना चाहूँगा कि मैं कभी वादा नहीं करता। वादा करने वाले झूठ बोल देते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी किसी माँ बहने और बड़े बुजुर्गों की आंखों में आंसू आए तो उस आंसू को मैं पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहूं। मैं ये वादा करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा। जब भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो, आग लगे, तो मैं आपके बीच में आऊंगा, आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं ये वचन देता हूं कि आपका ये आलोक कभी भी किसी जात पात या धर्म में फंस करके मानवता की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। और सबसे बड़ा वादा मैं ये करना चाहता हूँ, कोशिश मैं ये करूँगा कि जो मेरी सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैं एड़ी चोटी एक कर दूंगा, ताकि ब्लॉक में, थाना में, जिला में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को कष्ट ना हो, महिलाओं की बातों को सुना जाए, बूढ़ों की बातों को सुना जाए और उनके जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की जो समस्या है वो दूर हो। इंदिरा आवास आज भी जो लोगों को नहीं मिले हैं और उसमें अगर पैसे लगते हैं तो उसको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। मैं सबसे बड़ा बात ये कहना चाहूँगा कि आपको ये आलोक हमेशा सम्मान देता आया है, हमेशा सम्मान देता रहेगा और जब भी कभी आप मुझे बुलाएंगे आपके सामने हाजिर रहेगा। सभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक सुंदर समन्वय स्थापित करके समाज के विकास का प्रयास करता रहूंगा। आपके सुख में और आपके दुख में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, यही मैं कोशिश करूंगा, यही मेरा वादा। राजनीति में आप अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? आप जिला परिषद सदस्य रहकर ही जनता की सेवा करेंगे या फिर आगे कुछ विधानसभा, लोकसभा, आगे भी अपने आप को राजनीति के क्षेत्र में आप कहीं देखते हैं सर? मैडम, मैं इसका जवाब इस रूप में देना चाहता हूं कि मैंने तीन विषय से एमए किया है, पीएचडी किया है, मैं नेट सेलेक्ट पास हूं, तीन चार नौकरी को मैंने छोड़ दिया। तो इससे ये पता चलता है कि मैं हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं हूं। और एक विषय से एमए करके मैं नौकरी कर सकता था, लेकिन मैंने तीन विषयों से एमए किया। इससे यह पता चलता है कि मैं जिला परिषद से सिर्फ संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी जो जनता है वह बहुत कष्ट में है। जब तक मैं ऊपर के सदन में नहीं पहुँचूंगा तब तक समाज का विकास की लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता हूँ। इसलिए निश्चित तौर पर मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ, मैं निश्चित तौर पर हमेशा प्रयास करने वाला, संघर्ष करता रहूँगा, जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा और एक न एक दिन ऊँचे सदन में मैं पहुँच कर जनता के विकास की लड़ाई लड़ूंगा, मैं सफल होऊंगा और यही जनता मुझे आशीर्वाद दे करके पटना भेजेगी और वहां जा करके इन तमाम जनता की आवाज़ को मैं उठाऊंगा और नाथ नगर का विकास करूंगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर एक ऊटपटांग से सवाल है, ये हालांकि ये चर्चा में रहा है सर कि अक्सर पंचायत चुनाव जो होता है वो वोट को पैसे से खरीदा जाता है और मतदाता जो है वो मुर्गा और दारू पे बिक रहे हैं। सर ये सर कहां तक सही है और ये आप कहां तक इसको सही मानते हैं सर? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, मुझे बहुत दर्द है, मेरा कलेजा फटता है और निश्चित तौर पर ऐसा देखा जा रहा है। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो दारू, मुर्गा समाज को बर्बाद कर रहे हैं। दुख का विषय ये है, ये लोग जो गलत दारू, क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी है और कैसी शराबबंदी है ये तो आपको पता चल रहा है, तो प्रत्येक युवा को जो दारू पिलाया जा रहा है ये युवा बीमार पड़ जाएगा और चुनाव के बाद उसको दारू पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, वो चोरी करना शुरू कर देगा। तो ये प्रत्याशी समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। जहाँ मैं समाज को सुंदर बनाना चाहता हूँ, स्वच्छ और स्वस्थ बनाना चाहता हूँ, शिक्षित बनाना चाहता हूँ, वहाँ ये प्रत्याशी, ऐसे गंदे प्रत्याशी समाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसका मैं बहुत ही विरोध करता हूँ, ये बहुत ही गलत चीज़ है और जनता को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो दारू पिलाता हो। मैं खून बांटने वाला हूँ। जब भी लोग बीमार पड़ते हैं, अगर उनको खून की आवश्यकता पड़ती है, माँ को, बहनों को खून की आवश्यकता पड़ती है, मैं उसे खून देता हूँ और कोई दारू देता है। एक तरफ समाज को कोई बर्बाद करना चाहता है और मैं समाज को सुंदर बनाना चाहता हूँ, आबाद करना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे विरोधियों, ऐसे प्रतिनिधियों से हाथ जोड़ कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वोट लेने के और भी कई तरीके हैं, आप उनके पास अच्छे तरीके लेकर के जाएं, गंदे तरीके से वोट लेना बंद करें। और जहाँ तक खरीदने की बात करते हैं तो मैं ऐलान करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं
मैं किसी को पैसा नहीं देता, और चुनाव के पहले या चुनाव के बाद अगर कोई बीमार पड़ते हैं, दिक्कत होता है, तो मैं उसको सहयोग जरूर करता हूं, लेकिन चुनाव के समय में मैं सिर्फ हाथ गोड़ जोड़ करके विनती करके और अपने पुराने कामों को याद दिला करके वोट लेना चाहता हूं। बस मैं शराब का, दारू का और ये जो पैसे देकर के वोट खरीदना, इसका मैं ज़बरदस्त विरोध करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि अगर पैसे से, दारू से देश का खरीद लिया जाता, पंचायत को खरीद लिया जाता, तो देश का प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी होता, नरेंद्र मोदी नहीं होते। अगर पैसा से खरीदा जाता और अगर शराब से पंचायत को खरीद लिया जाता, तो विजय माल्या जो भगोड़ा है, उससे बड़ा शराब का कारोबारी कोई नहीं है, तो विजय माल्या देश का प्रधानमंत्री होता। देश के प्रधानमंत्री ऐसे शराबी और खरीद फरोख्त करने वाले नहीं है। इसलिए मैं जानता हूँ कि ये पैसे वाले जो खरीदना चाहते हैं वोट को या शराब से, वो सफल नहीं हो पाएंगे। एक अच्छे लोग जो समाज का विकास करना चाहते हैं, वही चुनाव को जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अगर आप जिला परिषद सदस्य के लिए एक बार फिर जीत जाते हैं, सर ये पद जीत जाते हैं, आप जनता आपका, आपको सहयोग मिलता है सर, तो आप अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में आप अपने आप को देखना चाहेंगे आगे, उसके लिए तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी जब मैं जिला परिषद पहली बार बना, तो मैं एक बार उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका हूं, और अविश्वास प्रस्ताव आया तो मैं अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ चुका हूं। आपको जान करके खुशी होगी कि मैं अध्यक्ष पद के लिए मात्र 3 वोट से पिछड़ गया और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 वोट से पिछड़ गया। तो निश्चित तौर पर नाथनगर दक्षिणी की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, और जितने भी लोग हैं भागलपुर जिला में, बल्कि पूरे बिहार में जो लोग हमें जानते हैं, नाथनगर की नज़र, नाथनगर पर जनता की नज़र है, और सबको पता है कि आलोक चुनाव जीतते ही अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ेगा और अध्यक्ष बन करके नाथनगर की जनता का सर ऊंचा करेगा पूरे भागलपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। टीवी आपके बीच आई और आपसे बातचीत की जनता, क्योंकि जनता भी यहाँ पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि 24 नवंबर को नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में चुनाव होना है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, और अब प्रत्याशी जो है जन समर्थन के लिए डोर टू डोर जनता से अपने समर्थन में अपील कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। और आज हमारी बातचीत हुई अशोक कुमार आलोक से, और आज के लिए बस इतना ही। सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, नमस्कार।